बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें वो कहता है कि साबित करें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें ए बी और बी ए, हमने ये बताना है दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं आता। अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे इसमें लफ्ज आ रहा है वेदर, वेदर का मतलब होता है ख्वाह, या तो या सेम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। इसमें बच्चों आपने करना क्या है, इसका मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा, क्योंकि मैंने भी प्रीवियस लेक्चर्स में आपको ए बी कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको उसका है, तो उसके आप बार बार जो प्रैक्टिस करेंगे उसी में पता हो जाएगा। अगर आपको कोई कमी पेशी होती है तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में ए बी फाइंड करना है। ए बी फाइंड करने के लिए आप पहले ए मैट्रिक्स को रखेंगे, फिर बी को रखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इस तरह जब बी ए फाइंड करना है, पहले बी मैट्रिक्स आएगा फिर ए आएगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, खुद देखें आंसर सेम आता है या नहीं आता। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो लॉन्ग के लिए आते हैं 1.4 का। क्वेश्चन 6 में से दो मैट्रिक्स दिए हैं ए और बी। ए मैट्रिक्स है -1, 3, 2, 0 और बी मैट्रिक्स है 1, 2, -3, -5। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कह रहा है शो दैट ए बी का जो होल ट्रांसपोज है, ब्रैकेट के ऊपर मींस होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हमें साबित करना है और आंसर सेम ही आना चाहिए। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एमसीक्यू के लिए ऐसी भी एक चीज याद रखनी है, ए बी का जब भी हम होल ट्रांसपोज लेते हैं ना तो बी पहले आएगा ए बाद में आएगा, यानी कि जो रकम बाद में आ रही है वो पहले आएगी जो ब्रैकेट ओपन करेंगे, और जो ए पहले है वो बाद में आएगा, और ट्रांसपोज दोनों के ऊपर आ जाएगा। अब हमें साबित करना है कि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए। तो मैथ का असूल है सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली फाइंड कर लेंगे, ए में -1, 3, 2, 0 दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, मैं साइन प्लस का आएगा, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, अब सिंपलीफाई करना है इसे, -1 को 1 से करें -1, प्लस माइनस माइनस, 3, 3 द 9, 2, 1 द 2, 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आएगा। तो यहां प्लस माइनस लिख भी देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 आ गया है तो 0 के साथ कोई साइन प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता। -1 को 2 से मल्टीप्लाई -2, प्लस माइनस माइनस, 3, 5 द 15, 2, 2 द 4, प्लस 0 से करेंगे तो 0 आ जाए मल्टीप्लाई करके। -1, -9, -10, -2, -15, -17, 2 + 0 2 और 4 + 0 4, ये हमारा आ गया ए बी। हमारा जो क्वेश्चन था मेन, हमने फाइंड करना है ए बी का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज आप प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना हो तो रो चेंज इनटू कॉलम, यानी कि ये जो रो है -10, -17, इसको हम बना देंगे कॉलम। इस तरह सेकंड जो रो है 2, 4, इससे हम कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में। ये हमारा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड थी ए बी का ट्रांसपोज। इसी तरह राइट हैंड साइड पे अगर आए,
उसमें हमने फाइंड करना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसमें अगर आप गौर करें ट्रांसपोज अलग अलग बी पे अलग है ए पे अलग है, तो जब ट्रांसपोज अलग आ रहे हो हर मैट्रिक्स का बी पे अलग है ए पे अलग है, तो पहले हम फाइंड करेंगे ट्रांसपोज फिर हमने मल्टीप्लाई करना है। बी ट्रांसपोज फाइंड करें तो बी में रो चेंज इन टू कॉलम वन टू माइनस थ्री माइनस फाइव। ए ट्रांसपोज फाइंड करें ए मैट्रिक्स हमारा माइनस वन थ्री टू जीरो। अब हमने इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई, तो इन मल्टीप्लाई में बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज वन माइनस थ्री टू माइनस फाइव माइनस ए ट्रांसपोज बाद में आ रहा है ए ट्रांसपोज माइनस वन टू। अच्छा बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आपको आंसर यही आएगा, तो ये मल्टीप्लाई आप खुद कर सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है रो को कॉलम के साथ। इसमें मल्टीप्लाई करके अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसके में आंसर जो हमने लेफ्ट साइड फाइंड की थी, सॉरी ये ऊपर है माइनस टेन टू माइनस सेवनटीन और फोर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के मैंने काफी सवाल अब आपको करवा दिए हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करेंगे, ये समझे आपकी एक्साइनमेंट है, इसे आपने खुद करना है। तो इसमें आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो इसमें अगर बच्चों को किसी लेक्चर में आपको मसला आता है तो उसको आप बार बार वीडियो को देख के उसे पक्का कर सकते हैं। तो ये हमारी 1.4 थी, ये कंप्लीट हो गई है, ये लॉन्ग के लिए आज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो लेक्चर होगा 1.5 वो स्टार्ट करेंगे। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।